हेलो फ्रेंड्स, आज ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमने इस पुराने किचन को मॉडुलर किचन कैसे बना दिया। तो देखते हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये है नया मॉडुलर किचन। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम सिविल वर्क, जो आपको देखिए ये पुराना किचन आपको दिख रहा है, इसे हम पहले पूरी तरीके से प्लानिंग करेंगे कि पहला हम क्या वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है सिविल वर्क होता है। इस सिविल वर्क में हम जो है सारे चीज़ों को तोड़ देंगे, जो अनवांटेड चीज़ है उसे सारे हम तोड़ कर निकाल देंगे। हमारा नेक्स्ट वर्क है रिपेयरिंग वर्क। पहले पूरी तरीके से सारे वायर्स को अंडरग्राउंड करेंगे हम, और उसके बाद हम यहाँ पर पुट्टी वर्क कर रहे हैं। पहले जो पुरानी वॉल है उस सारे वॉल को पहले फिनिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा जो मॉडुलर किचन है, यह फ्रेमिंग जो है इसका रेडी हो चुका है, और हमने ये बास्केट सेट जो है लगा दिए हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इसका क्रॉकरी बनाने का। और यहाँ पर हम जो अलमीरा जैसा बना रहे हैं, ये देखिए ये है अलमीरा। यहाँ पर जो सारे मसाले के डिब्बे रहेंगे, चावल, राशन, जो भी आप स्टोरेज करके रखते हैं वो सारा चीज़ इसमें रहेगा। और ये हमारा क्रॉकरी, ये देखिए, ये हमने चिमनी को ढकने के लिए इसे लगाया है। ये हाइड्रोलिक पंप बोलते हैं, इसमें हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये हाइड्रोलिक पंप है ये। और ये बाजू में जितने भी दिख रहे हैं सारे क्रॉकरी यूनिट है। इसमें सारे मसाले के डिब्बे रखे जाते हैं। और ऊपर आपको दिख रहा होगा ये लॉफ्ट है। और ये लॉफ्ट जो पहले यहाँ पे पर्दा लगा हुआ करता था, हम उसे पूरी तरीके से पैक कर दिए हैं। अब ये हमारा लास्ट वर्क है फिनिशिंग का। अब देख सकते हैं लास्ट हमारा जो किचन है कैसा दिख रहा है। बिल्कुल आप इसे देख के महसूस कर सकते हैं कि कितना सुंदर ये किचन आपको दिख रहा है। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की है, और आपको ये किचन बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने सारी वो फैसिलिटी दी हुई है, चाहे वो आरओ का पॉइंट हो, चाहे वो चिमनी हो, चाहे वो बर्तन रखने की जगह हो, चाहे वो राशन रखने का सामान हो। हर एक सारी चीज़ों की सुविधाओं के साथ हमने ये किचन पूरा रेडी किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।